मेरा नाम सुरहमा है, मैं यंग स्कॉलर स्कूल की क्लास 3 की स्टूडेंट हूँ। अम्मा से दिन की बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अम्मा से दिन की बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मोहतरम प्रिंसिपल साजा क्राम और मेरे हम मकदब साथियों, आज मुझे जिस अजीम शख्सियत को इस्लामी अकीदत पेश करने का मौका मिला है वो है इलामा मोहम्मद इकबाल। जिनाबे वाला इलामा मोहम्मद इकबाल वो दाना रास्त है कि जिसने मिल्लत इस्लामिया के तले मुर्दा में आजादी हयात और अज़्म अमल की नई रूह फूंक दी। इकबाल बस में हस्ती का इंतखाब थे, आप अजीम मर्दे मोमिन थे और कुदरती जैसे अजीम इंसानों को दायरिक सास कारनामों के लिए तख्लीक करती है। बड़े सगीर में चारों तरफ गुलामी के अंधेरे छाए हुए थे, फरजंदे इस्लाम गफलत की नींद सो रहे थे। ऐसे आलम इकबाल की आवाज आजादी का तराना बनकर गूंजी, आपका पैगाम कुदरत का इनाम बनकर गूंजा। इसे सासे आम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक वलवलात आजादिया मैंने दिलों को, एक वलवलात आजादिया मैंने दिलों को, लाहौर से दहाके बुखारा समरकंद। जिनाबे वाला इलामा इकबाल शायरे मशरिक थे, हकीमुल उम्मत थे, आप मर्दे मोमिन थे और चाहते थे बड़े सगीर का हर मुसलमान ईमान की तफसीर बन जाए। आपने अपनी कौम को मर्दे के नगमे सुनाए, आप चाहते थे कि आज के मुसलमान अपने अजीम बुजुर्ग के कारनामों पर एक नजर डाले ताकि उन्हें आजादी की कदर कीमत का एहसास हो। जुनावे वाला इकबाल ने मशरिक को देखा, तालीम के लिए यूरोप दरसगाह में गए, वहाँ की तहजीब तमद्दन को देखा, इन्हें एहसास हुआ कि यूरोप की चमक दमक आरजी है जबकि इस्लाम की तहजीब और इसका इस्लाम की हकीकत में लाजवाब है। आपकी नजरों में इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ऐसा बसा था इसलिए यूरोप आपको मुतासिर करने में नाकाम हो गया। चाचा हर फकर से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशार फरमाते हैं, खैरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, खैरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का हक़ मदीना नजफ। जनाबे वाला इलामा इकबाल की आवाज जिले में उतर गई और फरजंदान इस्लाम शाहीन इस्लाम बन गए। इकबाल माजी हाल और मुस्तकबिल के शायर थे। मैं अपनी गुजारिशात का एहतिताम इलामा इकबाल के इस्मे गान से करना चाहती हूँ। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आयशा है, मैं आपका स्कूल की क्लास 3 की स्टूडेंट हूँ। मोहतरम साजा क्राम और मेरे हम मकतब साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लघु शायरी का मौका मिला है वो है इकबाल का ख्वाब। उकाबी रुत जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रुत जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नाबे वाला इकबाल मैं एक शख्स का नाम नहीं और ना ही इकबाल का ख्वाब किसी एक शख्स का ख्वाब है। इकबाल नाम है एक फलसफे का, एक तहरीक का, एक फिकर का, वो सोच के जिसने बड़े सगीर के लाखों मुसलमानों की रुख गरमा दिया, वो ख्वाब के जिसने आखिर कौम का बेदार किया। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, तो धोखे रहती पैदा तो कट जाती है जंजीरें। नाबे वाला इकबाल की आंखों ने इस्लामी इब्तदाई रियासत का ख्वाब देखा था जहाँ जुल्म सितम रोमन असल का तासुब और फिरका बरसती ना हो, फिरका बंदी या कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी या कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। नाबे इकबाल के ख्वाब की ताबीर इसी सूरत मुमकिन है जब हम अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ खुद समझते हुए एक सोच, एक फलसफा, एक तहरीक अपनाए और एक बन जाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहती हूँ। अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, और फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अस्सलामु अलैकुम।